यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बीते रोज पंचकुला में डस्ट की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग सड़कों पर तो दूर घर में भी बमुश्किल ठहर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे धूल भरे मौसम से पंचकुला वासियों को राहत दिलाने की जिम्मेदारी नगर निगम कमिश्नर जोगपाल ने उठाई और कई फायर टेंडर लगा करके शहर के सभी सेक्टरों में पानी का छिड़काव करवा करके ताकि लोगों को धूल भरे वातावरण से थोड़ी राहत मिल सके। तो काफी दिनों से, पिछले कल से देखा जा रहा है कि हवा में धूल के कण समाए हुए हैं और लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ऐसे में पहल की गई है जोगपाल के द्वारा, डीएसपी जोगपाल के द्वारा, और यहां पर पानी का छिड़काव किया गया है। तो पंचकुला की यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वाटर फायर करके धूल को बिठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले कल से हवा में धूल के कण समाए हुए हैं जिसकी वजह से सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। धूल ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। लोग सड़कों पर तो दूर अपने घर में भी बमुश्किल रह पा रहे हैं और इसी का जिम्मा लेते हुए प्रशासन की ओर से छिड़काव किया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि धूल को बिठाने की कोशिश लगातार जारी है। आज सुबह भी यही हाल है, हवा में धूल के कण समाए हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है।